खरगोन जिले की कसरावद में हजरत सूफी वजीर बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाई गई, साथ ही फातिहा और लंगर का भी आयोजन हुआ। हजरत सूफी वजीर मोहम्मद कुतुब आफ्ताब रहमतुल्लाह अलैह का 123वीं कुल की फातिहा का आयोजन किया गया। हजरत सूफी बाबा की दरगाह काफ़ी पुरानी और प्रसिद्ध दरगाह मानी जाती है। यह दरगाह सूफी दादाजी के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हीं के ख़ानदान के मोहम्मद सादिक सूफी सजादा नशीन इस दरगाह पर आने जाने वालों की खिदमत करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि सूफी दादाजी की दो की कुल की फातिहा रखी गई है, जिसमें पहले दिन मिलाद शरीफ का प्रोग्राम रखा गया था, दूसरे दिन उनकी कुल की फातिहा और लंगर का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बाबा का लंगर खाया। इंदौर से आए हुए खालिद सूफी ने बताया कि सूफी दादाजी के शिष्य महाराष्ट्र, कर्नाटका और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। महाराष्ट्र में बाबा सेलानी के नाम से जो दरगाह है, वह सूफी दादाजी के तीसरे खलीफा हैं। प्रोग्राम में अजीज सूफी, अबरार पठान, जाहिद अजमेरी, हनीफ भाई, सगीर भाई खड़कवानी, फरीद भाई खड़कवानी, अनीज भाई खड़कवानी और खिदमतगारों ने प्रोग्राम में अपना सहयोग प्रदान किया और बाहर से आए जायरीन की खिदमत की। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। करा लाठी किसी को उसके लिए करा है, तो ये महफिल मियाँ बस इसी नस्बत से की जा रही है कि हमारा ताल्लुक और हमारी हाजिरी बारगाह रिसालत तक पहुंच जाए बुज़ुर्गों के वसीले से, और जो फैज़ हमारे बुज़ुर्गों ने लिया है उसका कुछ हिस्सा हमको मिल जाए, उसी नियत से महफिल की जाए। मैं चला जाता है, एक वो है जिसके दिल तक इस्तराहत हो जाता है और एक वो है कि उसके अंदर नहीं जाती हूँ बातें, ठीक है, वो किल काल में ही रहेगा, ये कैसे वो कैसे, ये कैसे बोल दिया वो कैसे बोल दिया, अरे नून गुन्ना हुआ कि नहीं हुआ, है ना, मीम निकला कि नहीं सही, तो फिर वो तो उसी में उलझ जाएगा। लेकिन जो मोहब्बत की निगाह से करेगा और इन बुज़ुर्गों के वसीले से ज़रा सर को झुका के आँख बंद करके महफिल के अदब से अपने नस्बत को वहाँ तक पहुँचाएगा, तो उसको वहाँ से फैज़ मिलेगा। और बाकी हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।